तुम्हें इतना खुश देखकर हमें बहुत खुशी हो रही है, इसलिए हम चाहते हैं कि ये खीर सबसे पहले तुम खाओ। पकड़ो। दरअसल बात यह है कि हमारे बेटे के लिए हर चीज बेहतरीन से बेहतर होनी चाहिए, इसलिए चखो कि मीठा ठीक है या नहीं और फिर इसे खिलाओ। खाओ नूर। रुकिए, छिपकली है जी इसमें, पता नहीं कहाँ से गिर गई। लाहौर बिलाखुवत, ये सारी खीर खराब हो गई है, अब तक तो इसमें सारा जहर फैल गया होगा, इसे बाहर फिंकवा दो। अल्लाह खैर करे आपा जान, पहली बार इस लड़की ने हम लोगों के लिए कुछ बनाया और उसमें भी छिपकली गिर गई, न जाने किस नियत से बनाई होगी। अरमान पहुंचा सरहद पार, क्या अरमान ला पाएगा वापस आसमां को इंडिया? शो की कहानी आगे बढ़ती है जहां पर अरमान पहुंच चुका है सरहद पार आसमां को ले जाने के लिए। अब यहां पर अरमान की मदद होती है एक शख्स से जो बताते हैं कि वो लड़की जो है उसे तो हमने देखा है और ये तो नूर जी की तरह लगती है। अब यहाँ पर जब अरमान ने उसे फोटो दिखाई तो उसे पता चला ये तो नूर नाम से रह रही है यहाँ पर। रुको, खीर तो फिर भी चखी जा सकती है, छिपकली तो उसमें गिरी थी ना, लेकिन नूर के हाथ में तो वो खीर है जो उसने पहले ही निकाल ली थी, चखो। और अचानक से हम देखते हैं कि अरमान जो है आसमां को देख लेता है, क्योंकि वो शख्स दिखाता है अरमान को कि देखो वो है नूर। अरमान देखकर खुश हो जाता है और पीछा करने लगता है। जहां पर मुर्तजिम और आसमां गाड़ी में जा रहे हैं तो वहीं पर अरमान पीछे पीछे भागा हुआ जाता है। ऐसे में अरमान को इतना तो पता लग गया है कि यही जो आसमां है वही नूर है, लेकिन अरमान अब कैसे पहुंचेगा बेगम साहिबा के घर तक और कैसे आसमां को वहां से लेकर आएगा ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। दूसरी तरफ मुर्तजिम और आसमां जो है अब एक दूसरे के साथ होने जा रहे हैं, यानी कि मुर्तजिम तो आसमां से प्यार करता ही था, अब इन दोनों का निकाह भी होने जा रहा है। अब ऐसे में बेगम साहिबा भी अभी अपनी चालों को विराम देकर बैठी हुई हैं। अरमान आया है जो आसमां को लेने के लिए, तो क्या बेगम साहिबा ले जाने देगी आसमां को या फिर मुर्तजिम बनेगा यहाँ पर मसीहा और करेगा अरमान और आसमां की मदद? खैर, कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय बताइए और कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब।